विधान परिषद की दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय। रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहे अखिलेश यादव। तो पहले यूपी विधानसभा चुनाव, उसके बाद में लोकसभा के उपचुनाव, और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी रण जो है वो तैयार हो चुका है। यूपी विधान परिषद के उपचुनाव होने वाले हैं दो सीटों पर, और इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। लेकिन इस सबसे अखिलेश यादव की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। विधान परिषद के होने वाले उपचुनावों को लेकर चर्चा है कि अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतारने के मूड में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार और जीत तो बात की बात है, लेकिन आखिरकार कैंडिडेट ही क्यों नहीं उतारे जा रहे हैं? तो इसके लिए सियासी गणित को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अखिलेश यादव कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। विधान परिषद चुनाव में अखिलेश यादव ने प्रत्याशी न उतारने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इन सीटों को जीतने के लिए पर्याप्त वोट ही नहीं है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जल्द ही इस फैसले का ऐलान भी कर देंगे। तो आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद में 8 सीटें खाली हैं, जिसमें से 6 पर तो राज्यपाल नॉमिनेशन करेंगी, लेकिन इससे पहले 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। एक सीट समाजवादी पार्टी के नेता अहमद हसन के निधन और दूसरी सीट जो है वो बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई है। तो इन दोनों सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं, जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब बीजेपी की जीत जो है इन दोनों ही सीटों पर तय मानी जा रही है, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए लगभग 200 वोटों की जरूरत है और समाजवादी पार्टी जो कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास इतने वोट ही नहीं है। अब इन चुनावों को लेकर ओम प्रकाश राजभर की भी भूमिका सामने आ रही है, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपने बेटे और सुभाषपा के प्रवक्ता अरविंद राजभर को MLC भेजने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अरविंद राजभर यानी कि राजभर के जो बेटे हैं उनको MLC के लिए उतार सकती है। और इस सब के बीच अखिलेश यादव कोई भी उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और ना ही अखिलेश फिलहाल कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं। और एक सीट पर जीतने के लिए लगभग 200 वोटों की जरूरत है, इतने वोट समाजवादी पार्टी के साथ में है ही नहीं। अब माना जा रहा है कि इन सब सियासी गणित के चलते अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में कोई भी प्रत्याशी ना उतारने का फैसला लिया है, और इसका औपचारिक ऐलान भी कुछ ही दिनों में जल्द ही हो जाएगा। अब इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यूपी की हर खबर जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।